तो गाइस मैं बारालाचला क्रॉस कर चुका था, और उसके बाद भाई बारालाचला क्रॉस करने के बाद मैं नीचे वहाँ पे थोड़े छोटे छोटे ढाबे हैं वहाँ पे भाई 10 मिनट का ब्रेक लिया मैंने, और वहाँ पे ब्रेक लेने के बाद अब मैं वापस चल चुका हूँ टुवर्ड सरचू। बस सरचू कुछ ही मिनटों में आने वाला है, और ये सरचू का भाई बेस्ट पार्ट आएगा। अभी देखना ओपन एरिया, मस्त ओपन फील्ड है दोनों साइड। सोच रहा हूँ वहाँ पर एक आपको ड्रोन शॉट का नज़ारा दूँ, तो उसके लिए रुक के वहाँ पे एक ड्रोन शॉट निकालने वाला हूँ मैं। एंड भाई अब देखो सरचू वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे थोड़ी ऑक्सीजन और कम हो जाती है। तो सरचू बहुत फेमस है कि भाई कभी भी आप आ रहे हो तो सरचू ना रुको, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। पर ठीक है, अब बस चलते हैं, अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आऊं सर? झूले सर कैसा हो? थैंक यू सर। शुरुआत होती है भाई अपनी यहाँ से, और ब्रो दिस इज सरचू, जहाँ से हिमाचल को ओपन करेंगे। बाय बाय। ये देखो भाई पोल्यूशन, ये देखो काला धुआं, मस्त दबा दे दबा दे। हाँ चल रही है लड़ाई। अलग ही खेल है भाई। उस वाले पहाड़ पर अपन शुरू करेंगे चढ़ाई। नाउ नेक्स्ट जो मज़ेदार अभी आने वाला है विल बी गाटा लूप्स। गाटा लूप्स पे भाई ड्रोन शॉट्स लेने हैं मुझे भी। आई लूज अनदर लाइक 15-20 मिनट्स उधर, क्योंकि वहाँ पर ड्रोन शॉट्स बहुत मज़ेदार आएगा भाई। देन वहाँ से पांग पांग से फिर विल हिट मोरे प्ले। तो आप एक चीज़ इधर नोटिस करना, जाम में जिसपा में था अगर पिछले वीडियो में देखा होगा, और अगर सुबह भी देखा होगा आपने, ग्रीनरी थी उधर यार। यहाँ देखो इधर मोस्टली बंजर पहाड़ है, पैचेस में कहीं कहीं आपको ग्रीन दिखेगा थोड़ा सा, वरना इट्स ऑल भाई ऐसे बंजर वाले पहाड़, नेकेड माउंटेन, न्यूड माउंटेन्स। और वो देखो अभी अपन जाएंगे उस वाले रोड पे, ऐसे पूरा घूम के विल बी गोइंग दैट साइड पूरा। वहाँ से इसके पीछे जाना है भाई, अभी रोड तो टर्मैक ये वाला लास्ट ईयर ही कर दिया था, पर हाँ काम बहुत तेज़ी से करा इन्होंने इसको, लेक की कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए ना भाई साहब जी जान लगाई गई है भाई। यहाँ पे लगा हुआ है ट्रैफिक, रीज़न है आगे लेन एक पतला है, बहुत ही पतला सा लेन है एक। सर जी, सर जी क्या हो गया? वो गाड़ी वाले लड़ाई कर रहे हैं। अरे यार
सांस पहले नहीं दे रहा था किसी को, ये लड़ रहे हैं। यहाँ इंसान नहीं दिख रहा है, ये इनको लड़ने का टाइम मिल रहा है, बताओ। गाड़ी आगे से नहीं कर रहे, कमाल ही हो गया यार। तो ऐसी जगह पे भी लड़ लो, लोकल गाड़ी और ऐसे करता यार, इतनी पैड चलता है यार, इतना क्या कर, इतना ठंडा मौसम में लड़ रहा, दिल्ली में लड़ता 50 डिग्री समझ में आता, वहाँ तो बनता ही है। यहाँ 12 डिग्री टेम्परेचर में भी लड़ रहा हूँ, ठंडे इलाके में आ गए ना। 13 डिग्री का टेम्परेचर है, बताओ। 13 ये देखो 13 डिग्री, बताओ बोले, बताओ बात होगी। चलो आप सब, अरे लाइन में निकल के जाना आराम से। गाइस गार्डन लूप पे हूँ मैं अभी, जस्ट स्टार्ट किया चढ़ाई अभी इसकी, और भाई ऊपर देखो वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रखा था, अभी अभी जस्ट क्लियर हुआ है भाई, देख रहे हो वहाँ ट्रक्स खड़े हैं, यहाँ पे ट्रैफिक जाम था अभी, तो मैं बस निकलने वाला हूँ। हाँ, यहाँ से पांग है 50 किलोमीटर, विल टेक 1 घंटा भाई, 1 घंटा नहीं सॉरी 2 घंटे, पांग 2 घंटे लगेंगे। चलो भाई बाइक है अपनी रेडी, निकलते हैं अब। भाई मैप देखो कितना सुंदर दिखता है ये घाटा, घाटा लूप्स, हेयरपिन बेंड्स है ये, 21 हेयरपिन बेंड्स। थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है, अभी आगे जाके गायब हो जाएगी ये भी। भाई ये ट्रक वाला तो यहीं रुका है, अब 2 ट्रक वाले अटक गए क्या भाई, प्लीज अटको मत। ये लो यहाँ भी अटके पड़े हैं, उधर भी अटके पड़े हैं सब, कमाल ही हो गया भाई, कमाल हो गया। तो चलो लोग थोड़े समझदार दिख रहे हैं, वेट कर करके निकले जा रहे हैं भाई। घाटा लूप्स के रास्ते थोड़े पतले हैं यार, देखा था तो 2 ट्रक्स निकलना है ना मुश्किल हो जाती है। इसको इन्होंने जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो उससे बेटर तो किया था इन्होंने, रास्ते रास्ते बनाए थे, और अभी पर रास्ते फिर से आई थिंक ख़राब हो गए हैं। अब अपन धीरे धीरे ही जाएंगे क्योंकि आगे ट्रक है, ओवरटेक करना पॉसिबल है नहीं। हाँ जी हाँ, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड घोस्ट ऑफ घाटा लूप्स, घोस्ट ऑफ घाटा लूप्स। तो भाई अपना रिचुअल हो गया है, यहाँ पानी चढ़ा दिया है और अब निकल रहे हैं अपन आगे। घोस्ट ऑफ घाटा लूप्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये रास्ते फिर 2 साल पहले फिर भी थोड़े बेटर कंडीशन में थे, वापस से टूट गए। टाइम हो रहा भाई दिन के 11:30 बज गए, मैं निकला था 7:40, ऑलमोस्ट 4 घंटे होने वाले हैं मुझे राइड करते हुए। गाइस जस्ट रीच्ड नकीला पास, 15,547 फीट भाई। सो नकीला क्रॉस कर रहा हूँ मैं, यार रुकूंगा नहीं अब, क्योंकि रुकूंगा तो मोरदे के लिए थोड़ा लेट हो रहा हूँ मैं, क्योंकि यार बीच में ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी, लोग बहुत ही स्लो चल रहे थे, अब कुछ कर भी नहीं सकते यार, बहुत लोग पहली बार आ रहे होते हैं तो उनका भी दोष नहीं दे सकते कि भाई तेज़ क्यों नहीं चल रहे, क्योंकि दीज रोड्स आर नॉट ईजी। मुझे भी इतने प्रैक्टिस होने के बावजूद भी बहुत जगह मैं भी बहुत धीरे हो जाता हूँ भाई, भाई आराम से जाना अपन को। ये क्या हो गया,
सर जी मदद कर दोगे, उठा दोगे? अरे पीछे का कपड़ा खुल गया, तो मैं उसको ठीक करने के लिए रखा, बाइक पलट गई, पता नहीं खुल गया था। पता नहीं खुला कैसे मेरी। थैंक यू सर। भाई लचुंग लाटू पांग में आपका स्वागत है। रास्ते देख रहे हो, ये है हार्डली कुछ 20 किलोमीटर पर अब सारा ऐसे ही है। ये तो और बुरा हो गया है पिछले साल के मुकाबले। भाई इस पर तो बड़े बड़े गड्ढे बनते जा रहे हैं। पहले तो फिर भी बेटर हुआ करता था ये। पांग इज लाइक 20 किलोमीटर ओनली, पर एक घंटे से ऊपर लगेगा इस रास्ते पे। उस साइड से तो बना रहे थे मुझे जहां तक याद है लास्ट टाइम जब पांग से आप निकलोगे ना टुवर्ड्स लाचुंगला, अभी जस्ट लाचुंगला क्रॉस किया था तो उस साइड से बना रहे थे। अब आई डोंट नो क्या स्टेटस है, देखते हैं अभी जाके पता चलेगा। पांग वाले रूट पे स्नो शावर्स हो रहे हैं, ये देखो भाई काफ़ी प्यारा हो रहा है भाई, और बहुत तेज़ लग रहे थे तो मैंने अभी हेलमेट बंद किया है, वाइज़र मतलब वाइज़र खोल के चला रहा था मैं अभी फ़िलहाल, पर हाँ अभी ओपन कर दिया है, बस अभी बंद कर दिया है मैंने क्योंकि फ्लेक्स बिल्कुल ही तेज़ से आँखों पर लग रहे हैं, मुँह पर लग रहा है, पर हाँ भाई कुछ भी हो सकता है इन रास्तों पे, बारिश स्नोफ्लेक्स कुछ भी, धूप हर तरह का मौसम देखने को मिल जाएगा आपको इस रूट पर। ये देखो पता नहीं आपको नोटिस हो रहा होगा कि बड़ी तेज़ी से गिर रहा है यार ये भाई। ये देखो ये नेचुरल बना हुआ है भाई, ये होल ज़बरदस्त बना हुआ है, पर कुछ भी कहो गूगल मैप से मार्क्ड भी है ये लोकेशन होल करके, अगर पान में होल डालोगे ये मिल जाएगा। भाई असली एडवेंचर तो इधर शुरू हुआ है, मैं बता रहा हूँ घाटा लूप्स के बाद, घाटा लूप्स के बाद मज़े आने शुरू हुए हैं। इधर तो रास्तों की हालत और बद से बदतर हो गई है अभी। ये नहीं बना रहे यार रास्ते बना रहे, देख रहे हो काम चल रहा है, पर क्या करोगे खेल ही ऐसा है, रोड ही ऐसे इधर के। पांग बच गया भाई, 5 किलोमीटर में पांग है, पांग उसका थोड़ा रास्ता खराब ऊपर जाने के लिए, एंड देन विल बी हिटिंग मोर एयरप्लेन्स, मोर एयरप्लेन्स। गाइस नक्काशी का काम देखना, ये देखो इन पहाड़ों पे इस साल थोड़ा कम दिख रहे हैं, वरना भाई ये जो वो अभी आगे बड़ा वाला दिखेगा यार, कमाल के पहाड़ है यार ये मिट्टी वाले, मैं इनको नाम दिया नक्काशी, नक्काशी का काम है भाई ये। दीज आर ब्रिलियंट यार, मतलब कमाल नेचुरली फॉर्म्ड ये चीज, तो आप देख रहे हो सामने वाले को, इट्स अ ब्यूटी यार इस रोड पे, पांग वाले रोड पे ये चीज मिस नहीं कर सकते आप। अब हर साल ये कुछ टूट जाते हैं, कुछ वापस बनते हैं, आई डोंट नो, कुछ कुछ गायब हो जाते हैं मैंने देखा है। भाई उसमें एक होल है बीच में, वो देखो वहां कौन रह रहा है। तो भाई पांग से निकल गया हूँ, अब पांग से अब हिट करेंगे मोर एयरप्लेन्स। पांग में नेटवर्क आता है जियो, जियो होनी चाहिए आपकी पोस्टपेड आई थिंक, तो ही काम करेगा। एंड यहाँ से मोरे दिखा रहा है अब लाइव पूरा आ रहा है, 4 घंटे भी दिखा रहा है, 4-4.5 घंटे, तो लेट्स सी अपन कितना कवर अप कर पाते हैं, सब उसके ऊपर है। पर हाँ भाई घाटा लूप से पांग तक का ऑफ रोडिंग इज टू गुड करा रहे हो, बहुत मज़ा आएगा, फुल ऑफ रोड है। चलो जी निकलते हैं यहाँ से। गाइस वेलकम टू मोर एयरप्लेन्स, शुरुआत हो गई यहाँ से मोर एयरप्लेन्स की। भाई लोग
और यहाँ से टारमैक मिलेगा पूरे मोरे प्लेन्स पे। भाई साहब देख रहे हो, ये पूरा ओपन लैंड है यार, बिल्कुल फ्लैट लैंड, बिल्कुल फ्लैट लैंड है दोनों साइड। पीआरओ ने सेटअप किया है अपना मोबाइल टावर, तो आपको सिग्नल्स मिलेंगे। मैं ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर्स का कर लिया इसका मोरे का, और अब यहाँ से मैं राइट लूँगा टुवर्ड्स सो मोरे दी। अब यहाँ से अपन जा रहे हैं सोकर होते हुए सो मोरे दी, सीधा जाता है ले एंड वी आर गोइंग टू सोकर। फर्स्ट टाइम ऑन दिस रूट यार, वाव 58 किलोमीटर्स, अगर ऐसा रास्ता रहा 58 किलोमीटर तो मजे आ जाएंगे। टोटल 100 बचा है यहाँ से करजोक गांव, जो कि सोमवती के एकदम बिल्कुल बाजू में है, मतलब वही होम स्टेज हैं। अगर आपको सोमरेरी में रुकना है तो सोमरेरी के लिए तो आपको करजोक में ही रुकना पड़ेगा। करजोक इस कट से था 100 और 58 दिखा रहा है अभी इस रास्ते पर। अगर 58 किलोमीटर ऐसा रास्ता रहा ना मज़ा आ जाएगा भाई। गाइस वो रहा सोकर लेक, वो है सोकर और उधर ही सोमरेरी है, ये तो सोकर है पर हाँ यहाँ से दिख रहा है भाई, मस्त व्यू है सोकर का यहाँ से। वाह एक टाइगर शो भी है, वो भी मिलेगा अभी रास्ते में हमें। भाई दिस एरिया इज अनटच्ड, इट्स ओनली मी राइट नाउ ऑन दिस रूट। जस्ट द गुड पार्ट इज अभी बहुत टाइम है अंधेरा होने में, तो अगर आप इस रूट पे आ रहे हो तो प्लीज़ गाड़ी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, खाने पीने सब कुछ का सामान होना चाहिए, एंड भाई थोड़ा जल्दी निकलो ताकि मेरी तरह है ना इस रूट पे दिन दिन में आओ, अंधेरे में मत आओ इन सब रास्तों पे। गाइस मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड रूट है जिस पे मैं चल रहा हूँ, इसके वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे, इजीली तो नहीं है अवेलेबल। तो इस रास्ते पे आने के लिए और इसकी खूबसूरती देखने के लिए भाई रोड्स भी अच्छे हैं यार, मतलब 28 किलोमीटर फुल टारमैक था, अभी ये थोड़ा ऐसा है थोड़ा पहले का बना हुआ है शायद ये, पर इट्स स्टिल गुड। और भाई इधर कहीं कहीं बीच में सिग्नल्स भी हैं, क्योंकि एक छोटा सा गांव आया, एक मिलिट्री एरिया था उधर नहीं दिखा सकता था मैं आपको, तो ऐसा खेल है भाई ये। और इधर आने के लिए आप जब मोरे प्लेन्स हो गए, तो अगर आप मनाली से आ रहे हो तो 33 किलोमीटर जैसे मोरे प्लेन स्टार्ट करोगे 33 किलोमीटर्स के बाद आपको एक रूट राइट को कट मिलेगा सोकर, टेक दैट रूट। और अगर आप ले के साइड से आ रहे हो तो आई थिंक टांगलंगला वहाँ से 30 है या उससे भी कम, नॉट श्योर, पर आपको दिख जाएगा साइन बोर्ड है प्रॉपर, वहाँ पे अभी बीआरओ का कैंप भी लगा हुआ है तो वहाँ नेटवर्क भी आ रहे हैं, तो वहाँ आपको दिख जाएगा सब कुछ, सोकर का साइन बोर्ड है, फॉलो दैट और आपको आएगा मज़ा। इधर गाइस वेलकम टू पूगा वैली, पूगा रेस हॉट स्प्रिंग्स आ गया, ये देखो तो देख रहे हो यहाँ जो भीड़ लगी हुई है, यहाँ इसलिए लगी हुई है क्योंकि वहाँ पे गर्म पानी निकलता है यार ज़मीन के अंदर से। भाई यही देखने आते लोग, तो अभी तो अच्छी खासी ग्रीनरी है यार, इट्स रियली नाइस। अभी अभी है ना घास बहुत छोटे हैं तो गाड़ियाँ भी नीचे उतर गई हैं, लास्ट टाइम जब अपन आए थे भाई इतने बड़े घास दलदल बना पड़ा था। रोड्स बहुत अच्छे इधर भाई, बीच में जब आप सोकर से आओगे ना सोकर वाले रूट से, बीच में थोड़ा सा खराब है थोड़ा 7-8 किलोमीटर, बाकी बहुत अच्छा रूट है यार, कोई इशू नहीं है उसमें, आप आ सकते हो बहुत मज़ा आएगा। सुबह से 6 hours 46 minutes की राइड हो चुकी है एंड डिस्टेंस कवर्ड इज 276 किलोमीटर्स। अब बस 1.5 घंटे में अपन पहुंच जाएंगे, आई थिंक 5 बजे आई विल बी इन करजोक विलेज, ऑलमोस्ट देयर। राइट जाना है अपन को, राइट से जाएंगे सो मोरेरी, सीधा निकल जाएगा हनले के लिए नयोमा।
ये रहा वे टू सो मररी, गोइंग टू सो मररी। विंड स्पीड खतरनाक है भाई, अभी सही बता रहा हूँ मैं, अलग लेवल की विंड स्पीड चली पड़ी है। ड्रोन वोन तो बोले जाओ, कुछ उड़ने वाला है इधर अभी। इस रास्ते को लास्ट टाइम भी बना रहे थे जब अपन आए थे यार, मैंने वीडियो में दिखाया था आपको। अगर आप चैनल पर नए हो तो पुराने वीडियोस में ना आप जाकर देख सकते हो मेरा सोमो रवि का। अनदर 40 किलोमीटर्स टू करजोक, तो आई थिंक लास्ट टाइम 20 अच्छा बना पड़ा था, 20 बिल्कुल ही ऑफ रोड था, तो लेट्स सी इस बार क्या सीन है। मुझे लगता है खराब ही होगा अभी भी, ना कम होगा, 20 नहीं होगा, उससे तो कम ही होगा। क्या मस्त क्रॉस कर रहे हैं ये भाई, पूरा रोड मस्त हो गया है, अब देखते कहाँ तक है। जो अगर पूरा कर दिया हो ना तब तो मजा आ जाएगा। 33 किलोमीटर, ओए ओए और भी हैं यहाँ तो, ये देखो इतने सारे एक एक करके आ रहे, एक एक करके आ रहे। वो रुक गया, वो देख अब भागेंगे फिर से। अरे अभी भी ये सेक्शन खराब ही है, तो मात्र 7-8 किलोमीटर बनाया है, उसके बाद अभी भी खराब है। गाइस वेलकमिंग यू टू काइगर सो, वी आर एट काइगर सो, एंड लुक एट द कलर यार, जो भी है अभी टर्कोइश है यार, एक साइड टर्कोइश, आई थिंक बीच में डीप ब्लू है, मतलब अभी मोस्टली टर्कोइश कलर है ये। औरों की तरह इतना हैपनिंग नहीं लेक है, मतलब लोगों के बीच क्योंकि पेंगोंग पेंगोंग सुनते लोग उधर ही जाते हैं, पर हाँ दिस एंड सो मोर दी आर अंडर रेटेड यार, ये मैं मानता हूँ। तो अब भाई यहाँ से फिर से रोड चालू हो गई, ये रास्ता नहीं बनाया इन्होंने, अभी काम कर रहे हैं लग रहा है इस पर लगेगा टाइम भाई। अलग सुंदर दिख रहा है वो देखो, चलो भाई घोड़े भी मिल गए इस बार तो, पहाड़ वाले घोड़े। अब बचा है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर फुल ऑफ रोड है ये भी। पिछले 7 किलोमीटर से ऑफ रोड ही आ रहा हूँ और ये भी 10 ऑफ रोड है। तो दिखा भाई सो मररी। आई एम प्रेजेंटिंग यू सो मररी लेक। ओ वाओ यार टारमैक, ओ टारमैक मेड मी फील सो हैप्पी यार। टारमैक सो मररी को देख कितनी खुशी नहीं हुई जितने टारमैक को देख के हुई यार। अरे यार क्या बात है टारमैक, चलो जोक से बट पर ये देखो, ओ भाई साहब क्या कलर आ रहा है। दस मिनट में पहुंच रहे हैं भाई करजोक, ऑन टाइम 5 बजे पहुंच रहे हैं भाई। टारमैक देख के इतनी खुशी आई ना अभी बहुत बड़ा लेक है ये भी यार, और ये पूरा ही अपना लेक है, इट्स नॉट कि कुछ आना का पार्ट है इसमें कुछ, ये लेक पूरा अपना है यार पूरा भाई। सामने करजोक गाओ, फाइनली पहुंच गए यार, 4:45 पर पहुंच जाएंगे। वाओ उन पहाड़ों के पीछे जो बड़े पहाड़ है उधर टिपट है सारा। ये देखो मजदूर भाई फोन लगा के बात कर रहे हैं, अरे कौन सा सिग्नल आ रहा है, BSNL होगा ये, तभी अभी देखता हूँ मैं अपना BSNL।